बड़ी मीडिया आप देख रहे हैं, चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। हालांकि खबर अच्छी नहीं है, अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की खबर है। घटना शुक्रवार शाम 5:30 बजे की बताई जा रही है। जिस समय बादल फटा उस समय गुफा में करीब 15,000 श्रद्धालु मौजूद थे। इस घटना में 3 महिलाओं समेत 15 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी अपडेट ये है, 35 से लेकर 40 श्रद्धालुओं के अब भी फंसे होने की खबर है। बादल फटने की ये घटना पवित्र गुफा से 1-2 किलोमीटर के दायरे में हुई। पहाड़ों में तेज बहाव के साथ आए पानी से श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए करीब 25 टेंट और 3 लंगर बह गए। बादल फटने से पूरे इलाके में तेजी से पानी भर गया और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। कई श्रद्धालु लापता है और उनके तेज बहाव में बहने की आशंका है। हादसे के बाद पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। उन्होंने हादसे पर गहरा दुख भी जताया। दूसरी बड़ी खबर और दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का शुक्रवार को निधन हो गया। शिंजो आबे पर शुक्रवार सुबह गोलियों से हमला हुआ। यह हमला उस वक्त हुआ जब नारा शहर में शिंजो आबे भाषण दे रहे थे। हमलावर ने पीछे से उन पर 2 गोलियां दागी, जिसके बाद शिंजो आबे जमीन पर गिर पड़े। इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि शिंजो आबे के प्रति हमारे दिल में गहरा सम्मान है, इसीलिए आज भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। अगली बड़ी खबर और राजस्थान के मौसम को लेकर सबसे बड़ी खबर की वार, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश हो रही है और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में अभी भी लोगों को बारिश का इंतजार है। खासकर झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर समेत कई इलाकों में लोग भयंकर उमस से परेशान हैं। लेकिन राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में झालावाड़, जालौर के कई हिस्सों में 4 इंच तक पानी गिरा है। इसके अलावा अजमेर, बारा, भीलवाड़ा, जोधपुर जिलों में भी कहीं कहीं पर अच्छी बारिश हुई है। यानी कि आधा राजस्थान उमस और भयंकर गर्मी की चपेट में है और आधा राजस्थान भारी बारिश की चपेट में। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य में 9 और 10 जुलाई को बारन, कोटा, झालावाड़, चूरू और हनुमान गढ़ जिले में मौसम विभाग ने कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना जताते हुए इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि बाकी राजस्थान में भी बारिश होती रहेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां हल्की से लेकर मध्यम ही रहेगी। 12 और 13 जुलाई को जो नया सिस्टम एक्टिव होगा, उसके बाद ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। एक और बड़ी खबर, दौसा से बड़ी खबर, विधवा पेंशन व किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाखों रुपए उठाने वाले गिरोह का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 4 ई-मित्र संचालकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दरअसल मुखबिर से सूचना मिली कि शहर के कुछ ई-मित्र संचालक व उनके सहयोगियों द्वारा राज्य व केंद्र सरकार की संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं में अपात्र लोगों के दस्तावेजों में फेर बदल कर खुद के खाता संख्या से जोड़कर अनुचित लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आपको बता दूं, यह मामला एक जिले का नहीं है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में ऐसे फर्जीवाड़े की खबरें सामने आती है, जिसके बाद अब सरकार ने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अगली बड़ी खबर, महंगाई के इस दौर में आम जनता के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। लोगों के रसोई का बजट कुछ कम होने वाला है, क्योंकि खाने की तेल की कीमतों में जल्द ही 15 रुपए प्रति लीटर की कटौती देखने को मिल सकती है। दरअसल सरकार ने प्रमुख खाद्य तेल संघों को कीमतों में तत्काल प्रभाव से 15 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इससे अब जल्द ही कंपनियां अपने ब्रांड के खाद्य तेलों की कीमतों में कटौती करेगी। एक और बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है आज यानी कि 9 जुलाई को जयपुर में होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें सुरक्षा, सड़क, पानी, बिजली और आम हितों के अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।